नमस्कार दोस्तों, मैं राघव गुप्ता फिनिक्स अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं जीएस में आप मैं पढ़ा रहा हूं। तीन चीजें आपकी कवर करा रहा हूं, जो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राचीन इतिहास। और एनटीपीसी रेलवे के लिए मैं साइंस भी कवर करा रहा हूं, जो साइंस भी आपको पढ़ा चुका हूं, चार टॉपिक उसमें भी समाप्त हो चुके। आज जो मैं लेके आया हूं, मैंने आपसे कहा था कि भारत के भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चंस के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, वो टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जैसा कि फिर से एक बार मैं अपनी लाइन बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और दूसरी बात कम से कम 10-10 दोस्तों को आप जरूर भेजिए। आप टॉप 20 क्वेश्चंस करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। स्कोर में पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कहां तक पहुंचा है। और एक क्वेश्चन में कराऊंगा, चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस से आपको वहां पे उनसे भी संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि स्टार्ट करते हम लोग, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे जो हमारा है आज, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है पहला तुगेला, सुथरलैंड, कुकवेनन, एंजिल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहला आपको मिला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सबको पता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल। कौन सा बेटा? एंजिल। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। एंजिल है कहां पर? तो एंजिल याद रखना कहां पर बेटा? वेनेजुएला, वेनेजुएला। अब बात करते हैं एंजिल किस नदी पे स्थित है? तो एंजिल जल वाटरफॉल कैरो रिवर पे स्थित है। दूसरी चीज, वेनेजुएला की कैपिटल यहां पे क्या पढ़ोगे आप लोग? वेनेजुएला की कैपिटल पढ़ोगे काराकस। और काराकस किस महाद्वीप में पड़ता है? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंजिल वाटरफॉल किस रिवर पे? कैरो रिवर पे। किस कंट्री में? तो वेनेजुएला। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला काराकस। और वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? आप आसानी से बता सकते हैं, जिस महाद्वीप को हम लोग लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं उस महाद्वीप पे वेनेजुएला देश स्थित है। फिर आगे इसी में ऑप्शन जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है पहला, वो है तुगेला। तुगेला जलप्रपात कहां पे? तो तुगेला जलप्रपात स्थित है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश में। अगला जो इसी में दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन, वो दिया है सुथरलैंड। सुथरलैंड, सुथरलैंड जलप्रपात कहां पड़ेगा? सुथरलैंड जलप्रपात पड़ेगा न्यूजीलैंड में। कहां पे बेटा? न्यूजीलैंड में। फिर यहीं पे बात है कुकवेनन, कुकवेनन, कुकवेनन वाटरफॉल कहां पड़ेगा बेटा? कुकवेनन वाटरफॉल भी जहां पे एंजिल है वहीं पे वह कुकवेनन भी स्थित है। तो आप आसानी से बता सकते हो। तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। कहां पे स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है, कैरो नदी पे स्थित है। वेनेजुएला की कैपिटल काराकास है। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका महाद्वीप का भाग है। फिर उसी में बाद हमने तीन ऑप्शन आपसे मिले, तीनों जलप्रपात के ऑप्शन थे, इनको भी हमने कंफर्म कराया। पहला ऑप्शन था तुगेला, कहां पे स्थित है? तुगेला स्थित है आपका साउथ अफ्रीका। फिर हमने बात कराई सुथरलैंड की, न्यूजीलैंड में स्थित है। फिर बात की हमने कुकवेनन की, जो स्थित है न्यूजीलैंड में। पहला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वो है विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है आपके पास अमेजॉन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, जाम्बेजी। ठीक है, चार ऑप्शन। तो आया है बहुत, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे? तो विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। यहीं पे एक ऑप्शन है आपके पास सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर।
सेंट लॉरेंस रिवर पे देख लेते हैं कौन सा वाटरफॉल है। सेंट लॉरेंस रिवर पे वाटरफॉल स्थित है, उसका नाम है नियाग्रा। क्या नाम है बेटा? नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात। और नियाग्रा जलप्रपात जो है कौन से देशों के बीच स्थित है, तो आप बता सकते हो अमेरिका प्लस कनाडा, अमेरिका प्लस कनाडा की सीमा पर। और स्पेसिफिक पूछा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो आप बता सकते हो कौन से, अमेरिका में। फिर बात करते हैं हम लोग मिसौरी, मिसौरी नदी जो है वो मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर होगा। अब इसी में ऑप्शन है आपका अमेजान, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजान। जल बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है अमेजान, और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अमेजान कहां बहती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है। फिर आगे बेटा बात करते हैं तीसरा नंबर जो हमारे क्वेश्चन में है, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है इराटोस्थनीज, दूसरा है हेरोडोटस, फिर है अनेक्जिमेंडर, फिर है कॉर्लेटर, कॉर्लेटर। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे लगे हुए हैं। तो भूगोल का जनक सबको पता होगा किसे कहते बेटा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, करिएगा इराटोस्थनीज को। किसको? इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा बात करते हैं, ये तो क्या जो हमारा प्रश्न आया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे बात है जो अगला है ऑप्शन इसी में, जिसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता है हेरोडोटस। फिर नेक्स्ट है एनेक्जिमेंडर, अनेक्जिमेंडर। तो अनेक्जिमेंडर बेटा देखते हैं कौन है, तो अनेक्जिमेंडर जो है वो विश्व मानचित्र के निर्माता, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन से हैं? अनेक्जिमेंडर। क्लियर। अगला ऑप्शन है आपके पास कॉर्ल रिटर, कॉर्ल रिटर कौन है? तो कॉर्ल रिटर है मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के जनक। कौन? कॉर्ल रिटर। तो आप इसको भी आसानी से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सौर प्रणाली के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके पास गैलीलियो, जेलबेर्ड, कैपलर और कॉपरनिकस। ठीक है, तो सौर प्रणाली के जनक सबको पता होना चाहिए कौन है। सौर प्रणाली के जनक है कॉपरनिकस। आसानी से आप इसको बता सकते हो। कौन है बेटा? कॉपरनिकस। इसी में ऑप्शन आ रहा है आपके पास केपलर का। केपलर कौन है? सौर प्रणाली के नियम दिए थे कॉपरनिकस ने, तो केपलर ने क्या दिया? ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया? केपलर ने। अब यही बात आई है गैलीलियो की, गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने किया दूरबीन का आविष्कार। क्या किया बेटा? दूरबीन का आविष्कार। अब यही बात आ रही एक जेएल बेयर्ड की, जेएल बेयर्ड की, जेएल बेयर्ड ने क्या किया? जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार। चारों ऑप्शन मैं आपके क्लियर कर दिए। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हमारी आकाशगंगा का आकार, हमारी आकाशगंगा का आकार। पांच नंबर क्वेश्चन जो है हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? क्लियर बात। ऑप्शन है परवलयाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार और त्रिभुजाकार। तो सबको पता होगा हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, और उसका जो आकार शेप है वो किस प्रकार का है? वो है परवलय आकार, स्पाइरल। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? परवलय आकार। हमारी आकाशगंगा का शेप कैसा है मिल्की वे का? परवलय आकार। और परवलय आकार किसको बोलते हैं? स्पाइरल को। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। छह नंबर क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? पहला ऑप्शन आपके पास है 71%, दूसरा है 27%, तीसरा है 2% और चौथा है 2.4%। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपका है कितना? 71%। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में 71% ही क्या है बेटा?
71% हाइड्रोजन है। फिर बात करते हैं यहीं पे 27% जो ऑप्शन है वो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हीलियम है और बचा कितना 2% क्या है अदर एलिमेंट अन्य तत्व। क्लियर हो गई बात। फिर बचा 2.4 क्या है ये जो है ये पृथ्वी पर भारत का क्षेत्रफल किसमें प्रतिशत में ये भी आप आसानी से बता दोगे। चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अब बात करेंगे हम लोग सात नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। कौन से ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे और आप लोग अगर कमेंट करके हमें बताएंगे कि सच में मजा आ रही टेस्ट सीरीज करने में तो इससे हम लोग एक से बेहतरीन और क्वेश्चन लाएंगे। ये जो हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं हम खुद मेहनत करके क्रिएट कर रहे हैं कि चार ऑप्शन ऐसे आपको वहां पर सुटेबल रखे जाए जिनसे उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके ऑप्शन और प्रश्न बन सके। क्लियर बात। तो जो सात नंबर क्वेश्चन है कौन से ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह मतलब कोल्डेस्ट प्लैनेट किस ग्रह को बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास अरुण यूरेनस जिसको बोलते हैं वरुण नेपच्यून शनि और शुक्र को। तो सबसे ठंडा ग्रह तो एक चीज मैं बता दूं बहुत ध्यान से तो हमने आपको बताया था ये क्या है सन। सन से अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट की बात करें हम लोग तो पहले नंबर पर कौन आता है मरकरी फिर वीनस फिर अर्थ मंगल फिर आता है जुपिटर जुपिटर के बाद आता है सैटर्न सैटर्न के बाद आता है यूरेनस यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। तो सूर्य से दूरी के आधार पे आठ ग्रह टोटल ग्रहों की संख्या सौर मंडल में आठ है। क्लियर बात। दूरी के आधार पे ग्रह भी हमने बनाती है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरु। क्लियर बात। तो हम यहीं पे बात देखते हैं क्या है तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बुध लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन है मतलब हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा बेटा शुक्र। इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं ठीक सबसे गर्म ग्रह भी है लेकिन सबसे ठंडा ग्रह पूछा गया तो यूरेनस मतलब अरुण अरुण जो है वो क्या है ठंडा ग्रह है। तो याद रखना जो दूरी के आधार पर ग्रह दिए हुए हैं उनमें जो सेकंड लास्ट ग्रह है वही हमारा सबसे ठंडा ग्रह है ठीक है। सबसे गर्म ग्रह आप बता सकते हो कौन सा है सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अब आगे बात करते हैं हम लोग आठ नंबर प्रश्न की। आठ नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है ट्रीट्रॉन उपग्रह किस ग्रह का है। तो ऑप्शन आपके पास है शनि मंगल अरुण और बृहस्पति। शनि मतलब सैटर्न मंगल मतलब मार्स अरुण मतलब यूरेनस और बृहस्पति मतलब जुपिटर। तो ट्रीट्रॉन किसका उपग्रह है ये आपके सामने स्क्रीन पे तो ट्रीट्रॉन है अरुण का याद रखना। क्लियर है। अरुण की खोज किसने की थी अरुण ग्रह की खोज किसने की थी तो याद रखना विलियम हर्सल ने। किसने की थी बेटा विलियम हर्सल ने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीट्रॉन अरुण का है तो शनि का कौन कौन है शनि के दो हैं कौन कौन से मेन है एक है फोगोस और एक है डेमोस। अब यहां पे बात यह है कि शनि के दो उपग्रह हैं फोगोस और डेमोस इन्हीं में से एक उपग्रह जिसका नाम है डेमोस। डेमोस क्या है सबसे छोटा उपग्रह सौर मंडल का क्लियर होगा। और सबसे ज्यादा इसमें ग्रह किसके पास है सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है शनि के पास।
अब बात आती है मंगल की। मंगल के ग्रह कौन कौन से हैं? तो मंगल के ग्रह याद रखना, एक है फोबे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है बृहस्पति के, तो बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमेड। क्या नाम है? ज्ञानीमेड। और ज्ञानीमेड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो है डीमोस। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है ज्ञानीमेड। ज्ञानीमेड किसका है? वो है बृहस्पति का। और डीमोस किसका है? वो है शनि का। और अरुण की खोज किसने की थी? हर्सल ने। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। और याद रखना, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके नो सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है। कौन से? केवल दो ग्रह के। कौन कौन? बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। आप ये भी आसानी से उसको बता सकते हैं। क्लियर बात? आगे अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, नौ नंबर क्वेश्चन है। नौ नंबर क्वेश्चन आया है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 113 किलोमीटर, 114 किलोमीटर। तो आप आसानी से बता सकते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? नौ नंबर क्वेश्चन का 111 किलोमीटर। क्लियर बात? अक्षांश किसको बोलते हैं? पृथ्वी होती, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है एक रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अब जीरो के ऊपर जितनी संख्या में जाएंगे, जीरो के नीचे जितनी संख्या में जाएंगे, वो संख्या हमारी काउंट होती रहेंगी। ऊपर जाएंगे तो एक नंबर तक चलते जाएंगे, यहां पे उत्तरी ध्रुव मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉर्थ पोल। और ये क्या मिलेगा? साउथ पोल। तो यहां पे क्या होगा? ऊपर तक जाएंगे, यहां पे संख्या है 90 और यहां पे कितनी है? 90। तो 90-90 अक्षांश, अक्षांश टोटल कितने हो गए? 180। याद रखना। क्लियर बात? आगे बात सुनो, जब जीरो के ऊपर जाएंगे तो एक संख्या यहां पर महसूस मिलेगी 23.5 डिग्री। यहां पे फर्क क्या होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ बोला जाएगा, उत्तरी बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.5 डिग्री। क्लियर बात? अब यही बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री। इसी प्रकार जब नीचे आओगे तो यहां पर कुछ नहीं होगा, 23.5 डिग्री। ऊपर नॉर्थ बोला गया, यहां बोला जाएगा साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? मकर रेखा। तो आप आसानी से इसको भी बता सकते हो। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? जैसे ये अक्षांशों का दोनों बीच कितने? 111 किलोमीटर। और अक्षांशों द्वारा हमें क्या पता चलता है? अक्षांशों द्वारा हमें जलवायु का ज्ञात होता है, ठीक। ये भी आप बता लोगे। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जो अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने है स्क्रीन पे, 10 नंबर क्वेश्चन है 10, ठीक है। निम्न में से सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? बिल्कुल बहुत बड़े ऑप्शन क्वेश्चन है। कर्क व्रत, मकर व्रत, विषुवत व्रत, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया ये विषुवत है, ये कर्क है और ये मकर है। ये कर्क व्रत और सबका हमने बता भी दिया, अक्षांशी विस्तार आसानी से पता भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा व्रत पूछ रहा आपसे, कोई भी गोली चीज होगी, गोली चीज में सबसे ज्यादा कहां पे व्यास होगा? मिड में, ठीक। तो मिड, ये मान लो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी में सबसे बड़ी त्रिज्या व्यास कहां पे होगा? विषुवती व्यास, जिसको बीच में। तो सबसे बड़ा व्रत तुम्हारा कौन सा बनेगा? विषुवत व्रत। आसानी से आप इसको बता सकते हो। इसका विस्तार पूछेगा बता सकते हो। कर्क रेखा का विस्तार पता ही है, 23.5 डिग्री उत्तरी। और मकर रेखा का विस्तार जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी। और विषुवत रेखा का जो विस्तार है वो 0 डिग्री अक्षांशीय विस्तार। तो इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे 10 क्वेश्चन हमने आपके कंप्लीट करा दिए। 10 क्वेश्चन के बाद आगे बात हम लोग करते हैं, वो करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 45 डिग्री पूर्वी देशांतर जाने पर क्या समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक चीज तो आप ये समझे,
पहली चीज तो आप यह सीखे थे कि अक्षांश की वजह से जो चीजें रेखा में समांतर खींची होती है उनको अक्षांश बोलते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के ग्लोब में रेखाएं लंबवत खींची होती उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं देशांतर। ठीक, अब बात सुनो, पृथ्वी पे जिस प्रकार 0 डिग्री एक अक्षांश होगी उसी प्रकार एक 0 डिग्री देशांतर होगी। तो दोनों जहां काटती हैं वहां कौन सा महासागर पड़ता है, वो पड़ता है अटलांटिक ओशियन। क्लियर है? अब बात सुन लो, इस रेखा के इधर जाओगे तो कौन सी दिशा लगेगी, वेस्ट, और इधर जाओगे तो कौन सी दिशा लगेगी, ईस्ट। क्लियर बात? याद रखना, जिस प्रकार अक्षांश से हम लोग जलवायु का पता करते हैं उसी प्रकार देशांतर से हम लोग समय, मानक समय ज्ञात करते हैं, मानक समय का पता करते हैं। याद रखना, पश्चिम की ओर अगर आओ तो क्या होता है, समय क्या होता है, समय घटता है, टाइम क्या होता है, घटता है। लेकिन जब पूरब की तरफ जाओ तो समय क्या होता है, बढ़ता है। आपसे और एक चीज याद रखना, 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो सिंपल सी बात बताओ, 1 घंटा किसमें होगा, जब इधर 15 का गुणा करा देंगे, 15 का गुणा इधर करा देंगे तो 15 डिग्री बराबर बन जाएगा कितना बेटा, 15 चौको 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब हो गया कितना, 1 घंटा। तो आप आसानी से बता सकते हो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। क्लियर? आपसे पूछ कह रहा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर जाना है। ठीक है, जब पूर्वी देशांतर जाएगा तो कहने मतलब है इस साइड जाएगा, कितना जाएगा, 45 डिग्री। और आप देख रहे हो, पहली बात तो समय बढ़ेगा पूर्वी साइड जाने पे, और आप दूसरी चीज ये भी देख रहे हो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 15 से 45, तो 45 डिग्री बराबर क्या आएगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही होगा, 3 घंटा समय बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा तो 45 डिग्री बराबर 3 घंटा, और पूरी जा रहा तो समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, कौन सी गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन है पहला घूर्णन, रोटेशन जिसको बोलते हैं, परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण और दैनिक। ठीक है, इतने चीजें आपसे पूछी गई, तो ऋतु परिवर्तन पूछ रहा। तो याद रखना, घूर्णन जिसको बोलते हैं रोटेशन, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं परिक्रमण। पहले तो परिक्रमण बाद में लिख देंगे, तो यहां पे पहले हम लिख लें परिभ्रमण, और यहीं पे हम लिख लें दैनिक, और आपका चौथा ऑप्शन वो है परिक्रमण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। क्लियर बात? तो सबसे पहले तो मैं बात ये कर लूंगा यहां पे कि ऋतु परिवर्तन पूछ रहा, तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण, परिक्रमण कारण, घूर्णन, परिभ्रमण, दैनिक, ये तीनों एक ही नाम है, और इनके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। क्या होता है बेटा, दिन और रात। लेकिन परिक्रमण और वार्षिक ये दोनों गति होती हैं जिनके कारण क्या होता है, जिनके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। क्या होता है बेटा, ऋतु परिवर्तन। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं हम लोग, इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा उम्मीद हम यही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो है 13 नंबर क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो क्या होता है। ऑप्शन है अपसौर जिसको बोलते हैं एफेलियन, उपसौर पेरिहेलियन, तीसरा है सूर्य ग्रहण, और चौथा है चंद्र ग्रहण। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो याद रखना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया करती है। एक कंडीशन आती है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और एक कंडीशन आती है जब पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है अपसौर। अपसौर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफेलियन। और जब मिनिमम डिस्टेंस पे होती है तो उसको बोलते हैं उपसौर।
पेरिहेलियन। तो अपसौर को क्या बोलते हैं? एफहेलियन। उपसौर को क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। क्लियर बात? अब बात सुनो, अपसौर कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। उपसौर कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो अपसौर घटना कब घटती है? तो अपसौर घटना घटती है 4 जुलाई को। उपसौर घटना कब घटती है? 3 जनवरी को। यह भी याद रखना, ठीक। अपसौर अधिकतम दूरी है, तो अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है पृथ्वी और उसके बीच में? 15.21 करोड़। मिनिमम कितनी हो सकती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। हमने आपको पूरा का पूरा कांसेप्ट बता दिया, अपसौर क्या है, उपसौर क्या है। तो अब इसके बाद हम लोग इसी ऑप्शन में देख लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देख लेते हैं, इसको हम रब करे दे रहे हैं। आप लोग अगर सीरीज कर रहे हैं, सीरीज से इतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है कि हमको नहीं लगता कि इस तरह कहीं मिलता होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से समझो आप लोग कम से कम कुछ नहीं 400 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बहुत मजा आने वाला, केवल आप लोग पूरा का पूरा वीडियो आप देखना। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दूसरी बात, आप लोग वीडियो को अधूरा ना देखा करिए, वरना ना देखा करें, ठीक है। तो अगला इसी में आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 13 नंबर की बात कर लें, तो एक चीज बता दें, सूर्य स्थिर रहता है, सूर्य अपनी जगह से नहीं हिलता। यह है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो वहां पे घटना कौन सी घट जाती है बेटा? सोलर इक्लिप्स। मतलब सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है बेटा सूर्य ग्रहण। अब एक कंडीशन ये भी बनती है कि जब चंद्रमा कंटिन्यू चक्कर लगा रहा पृथ्वी के और पृथ्वी सूर्य के चारों लगा रही, तो पृथ्वी भी एक समय में आएगी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो घटना कौन सी घटती है? मून इक्लिप्स। मून इक्लिप्स। तो आपके हमने 13 के 13 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा दिए। अब हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बेटा, देखते हैं हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें कब होती हैं? ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 जून और फिर दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर के बाद है 21 मार्च और 21 मार्च के बाद है 23 सितंबर। तो हमने पूछा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें, तो एक चीज याद रखना, सबको पता था, हमने बताया था पृथ्वी की गतियों में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं सीधी, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है बेटा? 21 जून को। सिंपल सी बात सोचो, दिन में टोटल तो 24 घंटे ही होंगे ना। जब सबसे बड़ा दिन 21 जून को हो गया और सबसे बड़ा दिन, तो सिंपल सी बात, जब दिन की अवधि ज्यादा हो गई तो रातों की अवधि तो सबसे कम होगी ना उस दिन। तो सिंपल सी बात है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे छोटी रातें कब होंगी बेटा उत्तरी गोलार्ध में? सबसे छोटी रातें होंगी कब? 21 जून को ही। अब ये बात करते हैं 22 दिसंबर में। 22 दिसंबर में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अब इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो 21 जून। हमने बताया था, अगर आपको ना पता हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जाओ, सौरमंडल ब्रह्मांड से संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से करो जाके, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। 21 मार्च को क्या बोलते हैं? 21 मार्च को बोलते हैं बसंत बिशु, बसंत बिशु। क्लियर बात? और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं? 23 सितंबर को बोलते हैं शरद बिशु। क्या बोलते बेटा? शरद बिशु। तो
कुल मिला के ये 14 नंबर को 15 नंबर क्वेश्चन की 15 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा में चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति का अनुपात कितना है। तो एक चीज याद रखना, जो टाइड होते हैं, ज्वार भाटा होते हैं, उसमें दो की शक्तियों की आकर्षण शक्तियों का योगदान होता है, एक होता है चंद्रमा और एक होता है सूर्य की, ठीक है। तो चंद्रमा और सूर्य की शक्तियों का अनुपात आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 11:5। एक चीज याद रखना, ज्यादा योगदान किसका होता है, ज्यादा योगदान होता है मून का, और ज्वार भाटा जो है बात आती है कि दिन में कितने बार आते, तो दो बार आते, लेकिन एक अपवाद हमने बताया था, इंग्लैंड का साउथहैम्पटन तट था जहां पे प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आते हैं, क्लियर। एक चीज और बताता हूं, विश्व में सबसे ऊंचाई पर ज्वार भाटा कहां पे आते हैं, सबसे ऊंचाई पर टाइड कहां पे आते हैं, तो याद रखना ये आते हैं फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में। भारत में सबसे कहां पे आते हैं, भारत में सबसे ऊंचाई पर ज्वार भाटा, तो याद रखना ओखा तट, ओखा तट कहां पड़ता है, गुजरात में, क्लियर। अगला क्वेश्चन है जो 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर है, निम्न में से कौन फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण नहीं है, मतलब वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, आल्प्स और ब्लैक फॉरेस्ट। तो याद रखना बेटा, 4 ऑप्शन में आपका वलित पर्वत का जो उदाहरण नहीं है वो नहीं है ब्लैक फॉरेस्ट, कौन सा नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, क्लियर। बात आगे बात करते हम लोग यहीं पे, एंडीज, एंडीज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो एंडीज की, मतलब ये तो ऑप्शन सही है आपका, वलित पर्वत नहीं है, नहीं है ठीक है, एंडीज, एंडीज की बात आती है, एंडीज साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो याद रखना हाईएस्ट पीक है इसकी एकांकागुआ, कौन सी बेटा, एकांकागुआ। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कितने 16 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। आगे बात हम लोग करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, तो 17 नंबर क्वेश्चन के आपके सामने देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस में स्थित है यह बताना, ज्वालामुखी पर्वत। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, माउंट कोटेपैक्सी, माउंट फ्यूजियामा, माउंट कराकाटाओ, माउंट पिनाटुबो, ठीक है, फिलीपींस में स्थित है माउंट पिनाटुबो, कौन सा बेटा, पिनाटुबो फिलीपींस में स्थित। फिर ऑप्शन यहीं पे आया माउंट, ये तो हो गया कहां पे, फिलीपींस में, और फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मनीला कैपिटल। फिर उसके बाद यहीं पे ऑप्शन है आपके पास माउंट कोटेपैक्सी, माउंट कोटेपैक्सी, माउंट कोटेपैक्सी कहां पे बेटा, माउंट कोटेपैक्सी इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इक्वाडोर की है क्विटो, क्या कैपिटल, क्विटो। अब बात करते हैं माउंट फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा कहां पे है, ये है जापान में, जापानी राजधानी सबको पता होनी चाहिए टोक्यो। फिर बात आती है माउंट क्राकाटाओ, माउंट क्राकाटाओ ये कहां पे है, ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की प्रेजेंट टाइम में राजधानी है जकार्ता, जो जावा द्वीप पर स्थित है, और इंडोनेशिया का हृदय स्थल किसको बोलते हैं, हार्ट प्लेस ऑफ द इंडोनेशिया जावा आइलैंड को, क्लियर बात, ये भी आप आ से। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से ट्रांसफर का जो प्रस्ताव आया हुआ है बोर्नियो द्वीप पर स्थित कालीमंतान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भूपटल पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व तो पाया जाता है, तो भूपटल पर सबसे ज्यादा तत्व तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो याद रखना भूपटल पर सबसे ज्यादा तत्व तो पाया जाता है
उपायता ऑक्सीजन कितने परसेंट, 46.5%, 6%। फिर दूसरा है सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है, सिलिकॉन है 27%। पृथ्वी पर या भूपटल पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा, ऑक्सीजन 46.6%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 19 नंबर देखते हैं क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कांडला, पारादीप। ठीक, मुंबई, चेन्नई, कांडला, पारादीप। तो सबसे बड़ा बंदरगाह सबको पता होना चाहिए कौन सा बेटा, मुंबई। ठीक, अब बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई एक प्रकार का कैसा बंदर है, चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है, और यह कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। यह देखो केवल आप याद रखना चेन्नई, अभी जब बंदरगाह पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे, चेन्नई एक प्राचीन बंदरगाह है और मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद यहीं पे ऑप्शन है कांडला, कांडला कहां पे, कांडला है गुजरात में, कहां पे, गुजरात में। और ये एक प्रकार का ज्वारी बंदरगाह है, रसायन का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां से होता है, कांडला से। फिर नेक्स्ट है बेटा पारादीप, पारादीप, पारादीप बंदरगाह कहां पे, तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा बंदर